हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बों की रसोई में। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुआ। आप लोग मेरी रेसिपी को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मालपुआ बनाने के लिए ये एक कटोरी हम गेहूं का आटा लिए हुए हैं। अब हम चीनी इसमें डाल देंगे, ये शक्कर यानी, और ये हम किशमिश लिए हुए हैं, और काजू है, काजू को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। आप चाहिए तो इसमें बादाम भी डाल सकती हैं, अपने मन चाहे डाल सकती हैं। और ये हमने नारियल को कद्दूकस करके लिया हुआ है, तो आप डाल सकती हैं, गरी का बुरादा भी डाल सकती हैं। ये हम कद्दूकस किए हुए हैं। और अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं, दूध से ही हम इसे फेटेंगे। एक गिलास हमने दूध लिया हुआ है, इसे हम अच्छे से फेटेंगे ताकि हमारे मालपुआ जो है बहुत ही बढ़िया बने और टेस्टी बने। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप सभी लोग जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इसमें आप चाहे तो मावा भी डाल सकती हैं। मावा मेरे पास इस समय नहीं है तो हम नहीं डाले हुए हैं, हम दूध से ही ऐड किए हैं। दूध से ही इसे फेंट लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मावा डालिए आप। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, जो बच्चा दूध है इसे भी डाल देंगे। बहुत अच्छी बनता है ये मालपुआ, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इसे हम बहुत अच्छे से फेटेंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट बने। अगर आप इसे तुरंत बनाना चाहती हैं फेट कर, तो इसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल सकती हैं, नहीं तो फिर ऐसे फेंट कर हम और इसे 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा, फुला फुला बिल्कुल। तो अब ये बिल्कुल तैयार है मेरा, इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये फूल जाए बराबर, फिर हम आपको दिखाते हैं। और अब आप देख सकती हैं कि हम गैस पर घी चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए, जब तक घी हमारा गरम हो रहा है। और ये जो हम फेंट कर रखे हुए हैं पेस्ट, ये बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकती हैं ये ऐसा ही रहेगा, बहुत पतला भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करिए। अगर वीडियो को आप लोग बीच में स्किप कर देंगे तो मेरा वीडियो बीच आप लोगों को रेसिपी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग से बोल रही हूँ वीडियो को बिल्कुल देखा करिए अंत तक। और अब हम देख लेंगे कि घी हमारे गर्म हुए हैं कि नहीं। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि देख लेंगे कि घी गर्म हो चुका है। घी हमारा गरम हो चुका है, आप देख सकती हैं बिल्कुल रेडी है घी। तो हम आपको बना कर दिखाते हैं मालपुए। आप किसी भी कलछल से डाल सकती हैं, छोटा या बड़ा थोड़ा इससे भी ले सकती हैं, आप अपने अनुसार ले सकती हैं जो आपको मनपसंद हो। और अब हमारा घी गरम हो गया है तो हम इसे ऐसे उठाएंगे कलछल से और इसमें घी में करके डालकर आपको दिखाते हैं।
इसे हमको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं डालेंगे, एक या दो डालेंगे। इसको स्पेस चाहिए ताकि ये फूलेगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। कभी कभी मीठा अगर खाने का मन होता है तो ऐसे फटाफट बनाइए और मीठा खा लीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है ये मालपुआ। हम तो इसे मालपुआ बोलते हैं, आप सभी लोग क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हैं। इसे हम पलट लेंगे, देखिए मेरा मालपुआ बहुत ही अच्छा फूल कर रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप सभी लोग जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इसे हम बहुत फूल फ्लेम पर नहीं करेंगे क्योंकि इसे थोड़ा धीमा ही गैस का फ्लेम रखेंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए, और बीच बीच में हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे इसे हल्का हल्का, ताकि ये अंदर से भी सेक जाए, कच्चा बिल्कुल ना रहे। और इसे हम पलटते रहेंगे, तो आप लोग देख रही हैं बिल्कुल रेडी है ये बनकर, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। बहुत ही अच्छा बनता है। अब ये हो गया है मेरा मालपुआ, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है, आप लोग देख सकती हैं बिल्कुल बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, चटपट बनाइए और मीठा मीठा खाइए। देखिए एक हम और डालते हैं, ऐसे ही इसको डालना है, आप किसी भी कलछल ले सकती हैं छोटा या बड़ा, और इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक या दो ही डालेंगे जितना कढ़ाई में जगह हो सके। गैस को हम स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे, फूल नहीं करेंगे। इसे हम हल्के हल्के हाथों से चलाते रहेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। इसे अब हम पलट देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, आप सभी लोग देख रहे हैं बहुत ही फूला फूला और बहुत ही टेस्टी बना है। इसे हम होने देंगे धीमे धीमे, इसे जल्दबाजी में ना बनाएं, ये ऊपर से लाल हो जाएगा मगर अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए प्लीज इसे थोड़ा सा धीमा आंच पर ही बनाएं आप सभी लोग, ताकि अंदर से भी पक जाइए। और ये बहुत ही अच्छा बनता है, देखिए अब हम इधर से भी पलट देंगे इसको, बिल्कुल लाल लाल फूले फूले मालपुए तैयार हैं। इसे बीच बीच में हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि अंदर से भी पक जाए, अंदर से कच्चा ना रहे ये बिल्कुल। इसे हम निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, फटाफट बन गया। और गैस को अब हम ऑफ कर देंगे, तो आप सभी लोग देखिए बहुत ही अच्छा मालपुआ बनकर तैयार हुआ है ना, बिल्कुल रेडी, बहुत ही सॉफ्ट है। आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार।
तो आप सभी लोग देख सकती हैं कि मैंने कितना झटपट में मालपुआ बना, बिल्कुल 10 मिनट में रेडी हो गया। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए हम इसे आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बिल्कुल बना है, देखिए बिल्कुल बढ़िया बना है और अंदर से भी सिक गया है बिल्कुल। तो आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को मेरा ये मालपुआ पसंद आया कि नहीं आया और आप लोग का कैसा बना। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।